सो व्हाट्सअप गाइस, पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज। तो थोड़ी देर में बस आने वाली है, फिर निकलेंगे हम। सब बच्चे अभी बाहर बैठ के वेट ही कर रहे हैं। तो ये आज का अपना आउटफिट देख सकते हैं। तो गाइस सुपर एक्साइटेड हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। गाइस वेट हो रहा है अभी बस का, आपको बैक कैमरे से दिखा देते हैं एक बार। देखो गाइस वेट चल रहा है अभी, तो यहाँ अपनी बस आएगी, दो बसेज आएंगी, B1 B2 में बांट दिया है स्टूडेंट्स को, एंड फिर उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो देखते हैं भाई। थोड़ा सा डिले होगी, मैं रास्ते में राजापुरी तक पहुंचती हूँ, CNG वगैरह। इस बस में बैठ चुके हैं, 10 घंटे का सफर है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। गाइस पहला स्टॉप ले चुके हैं अपन, ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। क्या है, NH 10 हाईवे ढाबा है, तो यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे। थोड़ा डिले हो चुका है बट लेकिन हाँ कवर अप कर ही लेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ के ग्लिंस वगैरह, व्यू तो बहुत अच्छा है, तो आप भी देखें। गाइस यहाँ बैठ के हम पराठे का वेट कर रहे हैं 1 घंटे से, कुछ आ नहीं रहा है पराठा। भाई आ गया पराठा अपना, भाई पराठे इतनी खुशी, पराठे को देख के कैसा लग रहा है भाई। भाई अब कैमरा बंद कर दो, अब खाना है। तो भाई अब फिर से चल पड़े हैं, तो अब रुकेंगे लंच के आसपास, रुकेंगे अराउंड 1-2:30 अराउंड के आसपास रुकेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं, सब गाने वगैरह सुनते हैं, डांस वगैरह देखते हैं, बाकी कुछ होगा तो आपको भी दिखाते रहेंगे, वीडियो वैसे बने रहेंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपना अमृतसर, और 8 बज चुके हैं पूरे। वेट कर रहे हैं अब होटल में, अपना अलॉटमेंट चल रही है, फिर नाम वाम आएगा उस हिसाब से अरेंजमेंट होगी, वहां पे जाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी तो सब वेट कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। क्या बोलना चाहेंगे सर? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, पहले खाना खिला दो। कैसा रहा आपका दिन? पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। बोलने के लायक शब्द नहीं है सर, आप बता। कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? बस भूख के मारे मरे जा रहे हैं। लंच नहीं होगा तो भूख तो लगेगी। अब डिनर होगा, लंच प्लस डिनर। भैया कुछ नहीं बोला मैंने, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। हां सीनियर्स को इंटरव्यू है। सीनियर भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के ट्रिप के बारे में, कैसा रहा? ठीक है भाई, ऑल गुड, हो जाते हैं इतने बड़े ग्रुप का। कैसा रहा एक्सपीरियंस, बढ़िया रहा आज का? सही था, बस थोड़ा टाइमिंग लेट हो गया तो ठीक है। YouTube पे दिखोगे वीडियो? YouTube पे भाई अपने को होटल मिल चुका है C7 और रूम नंबर 7। तो गाइस ये अपना होटल है देख सकते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए अब अपने रूम का टूर कराता हूँ जो मेरे को अलॉट हुआ है। तो ये आता है अपना गेट, तो ठीक है गेट खोलते ही ये अपना बेड है भाई, बढ़िया बेड है, और बाकी टीवी भी है सामने, एसी भी है, बाकी ये देख लो आप वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन एंड बड़ा है। और हर्ष मिश्रा बढ़िया, कैसा लग रहा है रूम? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है ना रूम? हाँ तो भाई हम निकल चुके हैं अपना डिनर करने, और डिनर अपना लड़कियों के होटल में V5 में, तो स्पेशली वहाँ पे जाना पड़ेगा, खाना पीना सारा वहीं पे है। तो चल पड़े अपने सारे भाई लोग, तो चलो वहाँ चल के दिखाते हैं आपको क्या सिस्टम है सारा। यहाँ पे है ना डिनर, कुछ कहना चाहोगे गाइस को हमारे?
कुछ नहीं, आप खा गए होंगे, आप डिनर कर लीजिए। ये हमारे हर्ष भैया, तो ये हमारे सीनियर, तो मिलते रहेंगे ये तो हमारी वीडियो में वैसे भी। तो भाई लोग ये अपने खाने का सिस्टम पूरा, ये अपने पुलकित भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने गाइस को? भाई थका आ रहा था आज सफर, खाना खाएंगे अब, बढ़िया मजे करेंगे। चलिए गाइस खाना दिखाते हैं आपको, पूरा मेन्यू दिखाऊंगा एक एक करके सब कुछ क्या है क्या नहीं। तो ये अपनी सलाद देखो क्या, ये है अपनी रोटी नान वगैरह, ये क्या है दाल, कटोरी नहीं दाल है ये, ये अपनी आलू की सब्जी है, ये चावल है, ये भाई अपना क्यों, अच्छा पनीर की पूजा, अच्छा ये सबसे पहले अपनी प्लेट तैयार करके बैठ चुके हैं। और प्लेट तो दिखा दो एक बार, शादी वाले काम भी पता है। अरे अरे दिखा तो दे है क्या क्या गाइस, देख सकते हैं ये अपनी थाली पूरी। तो भाई अपना भी खाना डाल लिया है, और हर्ष ने भी डाल लिया, और दीपांशु ने भी डाल लिया, तो देखते हैं कैसा है। कैसा है भाई, बढ़िया है भाई यार, अपना खाना वाना खा के निकल चुके क्या रिव्यू रहेगा भाई तुम्हारा खाने को लेके, बता दो एक बार। खाना भाई बहुत बढ़िया था, बढ़िया था, दाल बहुत बढ़िया थी, आगे पनीर मतलब मेरे को इतनी ठीक नहीं लगी, बट पनीर भी बढ़िया ही थी, ठीक था यार, मतलब ओवरऑल बढ़िया लगा खाना। तो चलिए अब अंदर आ जाते, कौन से फ्लोर पे? अभी सेकंड पे है। अच्छा सेकंड पे है क्या? रिव्यू देना चाहेंगे खाने के बारे में क्यों? नहीं नहीं बता के जाइए ना, पता चलना चाहिए सबको, ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए एकदम। ठीक था ऋत्विक सर, आपका क्या कहना है खाने पे? हाँ लगने पे सारा खाना अच्छा, सारा खाना अच्छा लगता है, और रोटी हमेशा एक एक करके लेनी चाहिए, रोटी हमेशा एक एक करके लेनी चाहिए। अब आइसक्रीम बांटी जा रही है यहाँ पे, आज तो भाई पूरी पार्टी कर दी इन लोगों ने, ये देखो आइसक्रीम बांट रही है, और यहाँ लूट मच चुकी है पूरी। तो चलो मैं भी आइसक्रीम देता हूँ, वरना अपनी पसंद की आइसक्रीम नहीं मिलेगी। तो भाई आइसक्रीम मिल गई है, ये अपना फेवरेट फ्लेवर बटर स्कॉच। भाई आज तो फुल पार्टी कर दी इन्होंने, मज़े आ गए, सब खा रहे हैं खुशी खुशी, और क्या। सुबह 3:30 बज रहे हैं, तो भाई 4:30 करीब अपने को अमृतसर और गोल्डन टेंपल के लिए निकलना है, तो इसलिए उठ रहे हैं सब लोग 3 बजे। सुबह सुबह तैयारी करने में लग गए, नींद तो खास पूरी हुई नहीं, अराउंड 11:30 सोए थे, बट चलो कोई नहीं, घूमना तो है ही अपने को, सब कुछ अब आए हैं तो एक एक करके सब तैयार होना शुरू कर रहे हैं, फिर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर आज का आउटफिट क्या रहता है, एंड फिर अपना पूरा गोल्डन टेम्पल दिखाएंगे, फिर देखते हैं पूरा शेड्यूल है उस हिसाब से चलेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, बल्कि वेट हो रही है, अब सबकी सब तैयार होके अपने यहाँ खड़े हो गए हैं, तो लेते हैं सबको व्लॉग में, पूछते हैं भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, सबकी नींद तो पूरी हुई नहीं होगी, भाई तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ आधी अधूरी, आधी अधूरी है ना, 2-3 घंटे ही तो लिए हैं, 3 घंटे में कहाँ नींद पूरी होती है, वही तो। और दीपांशु नींद पूरी हो गई तेरी? भाई नींद तो भाई पूरी हुई है, फिर एकदम अलार्म बजा तभी उठाऊँ एकदम, और बिल्कुल मतलब नींद बढ़िया आई, नींद बढ़िया आई, बेड तो बढ़िया थे? हाँ बढ़िया थे भाई एकदम, तकिए ओके बढ़िया एकदम। आ रहे हो भाई, सब लोग आ रहे हो, हम भी कवर हो रहे हो, एक सेकंड, व्लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे आना है, फिर सब दिखाना करा दो, हां गए थे कहीं, हां तो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, यार देख रात भर नींद नहीं लगी है, और इन्होंने सोने नहीं दिया, और वैसे ही लेट हो चुका है हम लोग को, बट ठीक है, और लेट किसने करवाया, हम 5 मिनट में आधा घंटा लगाते हैं, चारों ने मतलब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड टेम्पल लेट जाएंगे तो क्या दिक्कत है, चारों ने आधा घंटा लगा दिया तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, एक ट्रिप कैंसिल हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, कॉलेज वालों के पैसे बचेंगे तो क्या दिक्कत है, आधा घंटा पहले उठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, आधा घंटा पहले नहीं उठ सकते ना, हम तो टाइम पे उठेंगे, तो बांध ले भाई सही से बांध ले, क्या कर रहा है
मुंह बंद कर रहा। तो गाइस ये अपना जलियांवाला बाग एंड आगे अपना है गोल्डन टेंपल। तो पहले जाएंगे गोल्डन टेंपल। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? जो सर पे ये लगा लो। कैसा लगा दर्शन करके? कैसा लगा दर्शन? बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कैसा लगा? बढ़िया लगा। प्रसाद कैसा लगा? प्रसाद बहुत ही चल लंगर खा देने का। भाई बढ़िया रहा अपना गोल्डन टेंपल का, तो गया प्रसाद भी मिल गया। तो चलते हैं फिर, अब देखते हैं आगे का प्लान क्या है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा एकदम। अच्छा लगा मैम आपका? बढ़िया रहा। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कहाँ से हैं? सर वो ब्लॉग बना रहा था। तो सर कैसा लगा आपको यहाँ का? वैसे तो मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लगभग 75 बच्चों के साथ में, अपने तीनों कैंपस के बच्चों के साथ में यहाँ आना, ठीक है, उनको सुरक्षित तरीके से स्वर्ण मंदिर का दर्शन कराना, ठीक है, बाकी के जहाँ जहाँ भी हमें जाना है, ठीक है, ये गर्व की बात है। और ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टूर है ये। और ऐसे जैसे अभी हमने लंगर भी किया और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मतलब पब्लिक लोग एक मानवता के पाठ पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक्चुअल में जो सेवा होती है, हम NSS के थ्रू बहुत सारी सेवाएं देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि छोटा बच्चा से ले कर बड़ा बच्चा तक किस तरह से जो है सेवा दे रहा है पब्लिक को, एक मानवता इंसानियत सारे को समेटे हुए कैसे एक अच्छे मन से दिल से सेवा दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सबके साथ में मुझे आना यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू सर। क्या पी रहे हो दीदी? लस्सी। कैसी लग रही है लस्सी? बढ़िया। एक्सपीरियंस तो बता दो आज का। मेरा वाला सीन कट कर दे ब्रो। अरे नहीं, आप तो सबसे मेन रोल हो ना। वीडियो बना रहा है वो। देखो नहीं ना, काम पर थोड़ा थोड़ा बताओ भैया कैसा लग रहा है? बुरा। उदास। हर्ष भैया फिर से मुलाकात हो गई, थोड़ा बता दीजिए आप भी एक्सपीरियंस। अरे भाई मेरे को मत डाल। गोल्डन टेंपल से था। इन लोगों ने डिसाइड करा कि चलो कुलचे खाने चलते हैं। भाई बस। तो भाई कुलचे खाने आए, देख सकते हो कौन से हैं। ये पनीर वाला है, ये रहा ये, और ये कौन सा? ये मिक्स है। तो भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? पसंद है आपको? क्या हुआ भाई, थोड़ा बताओ ना, पसंद आ गया खाना? लगता है थोड़ा मूड ऑफ हो गया इनका, खा के आपको फिर बताता हूँ क्या सीन लिया जा रहा है। कॉलेज के बच्चे क्या ले रहे हैं ये? सही है यार। और ये है गाइस कॉलेज के बच्चों की हालत। और ये हम, अरे भाई तुम मेरे को फिर दिखा रहे हो। आप भी ले रहे क्या? ले लो, आपके जैसे ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आंखें मिल रही है, सही में आंखें मिल रही है। दुनिया में सबसे, दुनिया में सबसे,
दुनिया में सबसे न्यारा जट्टा का छोरा।